हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम पैक्ड बबल चार्ट कैसे बनाते हैं टैबलो में। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कि शो मी के ऑप्शन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेगी पैक्ड बबल चार्ट के लिए। सो उसमें हमें चाहिए रहेगा एक या और उससे ज़्यादा डायमेंशंस, एक या और उससे ज़्यादा मेजर्स। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो की थी ट्री मैप वाली, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि डायमेंशन और मेजर्स क्या होते हैं। सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है कि हम इस पर भी बार चार्ट पहले बनाएंगे। ठीक है, तो बार चार्ट हम कैसे बनाएंगे, वही सेल्स वर्सेस कैटेगरी के, ठीक है, उसके रिलेटेड हम बनाएंगे। तो सेल्स मैं डाल देती हूँ कॉलम्स में एंड मैं कैटेगरी को डाल देती हूँ रोज में। ठीक है, अभी फिर से मैं अगर इस प्लस वाले साइन में अगर ड्रॉ क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे फर्दर और क्लासिफिकेशन मिल जाते हैं कैटेगरी के, जैसे कि आर्ट, अप्लाइंसेस, पेपर्स, ये सब हो गए, ऑफिस सप्लाईज में, टेक्नोलॉजी में हो गए मशीन, फोन्स, फर्नीचर में चेयर्स, टेबल्स, ऐसे सब। ठीक है, सो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बार चार्ट बनाने के बाद कि हम यहाँ पे पैक बबल चार्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि ये अब अप्रूव हो गया कि हाँ हमने सही डायमेंशंस और मेजर्स लिए हैं। ठीक है, सो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। सो अब यहाँ पे हमें एक पैक बबल चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो एक पैक बबल चार्ट यहाँ पे है जिसमें अब मैं हवर करूँ तो मुझे यहाँ के इसके सारे दिख जाएंगे कि कौन सी कैटेगरी है, कौन सी सब कैटेगरी है, कौन सी सेल्स है, कितनी सेल्स हुई है। तो अभी मुझे यहाँ से कैसे क्या दिख रहा है, देखो जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी मुझे दिख रही कलर वाइज में कि ये टेक्नोलॉजी का रेड कलर है, ऑफिस सप्लाईज का ऑरेंज कलर है एंड फर्नीचर का ब्लू कलर है। एंड मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि सेल्स जो है मुझे साइज़ से दिख रही है, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा साइज़ उसकी उतनी ज़्यादा सेल्स। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर आपके अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं लेबल्स में सेल्स भी ऐड ऑन कर दूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको लेबल्स में ले जाऊँगी। तो मुझे अब यहाँ पे देख सकते हो अब नंबर्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहो तो इसका फॉन्ट और ये सब चेंज कर सकते हो आप। सो मैं इसको थोड़ा सा बेटर और बनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर दे रही हूँ एंड थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ मैं इसको इधर से, एंड थोड़ा सा दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं जो थोड़ा बेटर लगे, और वैसे स्टेंसिल वाला फॉन्ट ले लेते हैं एंड थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ये तो मैंने आपको जस्ट एक चेंज करके दिखाया है, आप आराम से अपना देख के ये सब फॉन्ट एंड ये सब कलर्स आप चूज़ भी कर सकते हो, चाहे हो तो आप कलर्स भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये सब ऑप्शंस हैं, आप ऑटोमेटिक उसमें जाओगे तो जैसे समर का अगर ले लूँ मैं तो ऐसे कुछ कलर्स चेंज हुआ नहीं है शायद यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, तो मतलब आप इसको वैसे कर सकते हो, जैसे मैं ग्रे के शेड्स में अगर ले जाऊँ तो वैसे भी आप कर सकते हो। ये हो कि नहीं रहा है चेंज वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, सो अभी हमारा पहला मोटिव ये चीज़ नहीं है, हमारा दूसरा मोटिव ये है कि अगर मेरे को सपोज़ इसको और एक्सपांड करना हो, सो एक्सपांड में मतलब मैं साइज़ वाइज इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं सब कैटेगरी को थोड़ा सा और ओपन अप कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट नेम अब आ गया है यहाँ पर, देखो इसमें क्या पता चल रहा है कि हर एक प्रोडक्ट नेम अब अलग यहाँ पे एक हमें सर्कल से डिनोट हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ये पूरा आउटर रेडियस होगा, ये हमारा ऑफिस का आउटर रेडियस है एंड ये हमारा फर्नीचर का सर्कल होगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे आपको दिखाया एंड यहाँ पे हम लोग ये जो है थोड़ा सा अगर हम लोग लेबल का फॉन्ट साइज़ और ये सब अगर कम कर दें तो शायद हमें लेबल्स भी दिख जाएँ। ठीक है,
सो ऐसा करके हमने यहाँ पे हम लोग हवर करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा मतलब हमें यहाँ पे सबका दिख रहा है कि जितने जिसके छोटे साइज़ हैं उसका मतलब ये है कि उतनी सेल्स कम हुई है, ठीक है। एंड जिसके जो भी कलर है वो उस सब कैटेगरी को डिनोट करता है। सो ये था एक पैक बबल चार्ट हमने आज सीखा। एंड अगर आप चाहो तो लेबल्स पे इसका थोड़ा सा, अगर सपोज मैं इसका बेटर थोड़ा कर दूँ एंड बोल्ड भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट करके हम इसको चेंज करेंगे टैबलो मीडियम एंड बोल्ड हटा दिया हमने। थोड़ा सा इसको हम लोग 8 पे ले आते हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सो ये हमने देखा, अगर आप देखो स्टैंडर्ड है एंटायर व्यू, हम एंटायर व्यू करके देखें तो ये बीच में हमारा यहाँ पे आ जाएगा पैक बबल चार्ट। सो ये भी एक विजुअलाइजेशन टूल है जो हम लोग ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, बट ये अगर मैं बताऊँ तो सर्कल से आप ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाओगे कि कितना किसका किससे ज़्यादा सेल है। लेट्स से कि अगर मैं बोलूँ कि इसका सेल्स और इस सर्कल का सेल्स बताओ, तो जैसे कि यहाँ पे 8906 है और यहाँ पे 11 something thousand है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये और ये सर्कल का सेम साइज़ है, बट आप थोड़ा डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम लाइक ब्रॉडर पिक्चर के लिए रखते हैं, ठीक है। ब्रॉडर पिक्चर के लिए यूज़ होता है कंपनीज़ में। अगर आपको इस प्रिसाइज स्पेसिफिक अगर आपको विजुअलाइजेशन देना है तो बार चार्ट विल बी मच प्रेफरेबल। तो ये था हमारा पैक बबल चार्ट। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम कैसे बनाते हैं टैबलो में। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड शेयर करना प्लीज़ एज मच एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।